वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको औसत से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ और साथ में क्वेश्चन भी है उस इम्पोर्टेंट फैक्ट से रिलेटेड। तो क्वेश्चन ये है, पहला फैक्ट ये है यदि एक्स संख्याओं का औसत m हो और यदि सभी संख्याओं में n जोड़ा जाए तो प्राप्त नई संख्याओं का औसत जो होगा वो m प्लस n होगा। सेकेंड फैक्ट ये है, यदि x संख्याओं का औसत m हो और यदि सभी संख्याओं में से n से घटा दिया जाए तो प्राप्त संख्याओं का जो औसत होगा वो m माइनस n होगा। यदि x संख्याओं का औसत m हो और यदि सभी संख्याओं में n से गुणा किया जाए तो प्राप्त संख्याओं का जो औसत होगा वो m गुणे n होगा, यानी कि m इंटू n होगा। यदि x संख्याओं का औसत m हो और यदि सभी संख्याओं को n से भाग दिया जाए तो प्राप्त संख्याओं का औसत m बटे n होगा। तो क्वेश्चन ये है, यदि सात इम्पोर्टेंट फैक्ट है को ध्यान में रखते हुए इन सवालों को लगाएंगे। यदि सात संख्याओं का औसत 15 हो और सभी संख्याओं में n जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा? तो क्या करते हैं, जो औसत दिया होता है जिस सभी संख्याओं में कितना जोड़ा जा रहा है, 9 जोड़ा जा रहा है, तो बस औसत वही हो जाएगा 15 प्लस 9। तो 15 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 24 औसत हो जाएगा। जो प्राप्त संख्याओं का जो औसत निकलेगा वो 24 आएगा। आठ संख्याओं का औसत 19 है, यदि सभी संख्याओं में से 3 घटा दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा? अब यहाँ पे घटाने की बात आ रही है, तो जो औसत है उसमें 19 में 3 घटा देते हैं, तो ये 19 में से 3 घटेगा तो 16 आ जाएगा। तो जो प्राप्त नई संख्याओं का जो औसत आएगा वो 16 आएगा। 12 संख्याओं का औसत 16 है, यदि सभी संख्याओं में से 7 से गुणा किया जाए तो प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा? तो यानी कि 16 और 7 का गुणा कर देते हैं। जो औसत होता है जितने से गुणा किया जा रहा है उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये ट्रिक तीसरा फैक्ट काम आएगा इसमें, 16 × 3 मल्टीप्लाई 16 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो आएगा। तो 16 का मल्टीप्लाई 7 में मल्टीप्लाई करते हैं, 16 16 32 43, 16 6 64, 16 5 80, 16 6 96, 16 7 112, तो 112 आ जाएगा। तो प्राप्त संख्याओं का जो औसत होगा वो 112 होगा। यदि सात संख्याओं का औसत 12 हो और सभी संख्याओं में 4 से भाग दिया जाए तो प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा? तो जितने से भाग दिया जा रहा है उतने ही में औसत में भाग दे देते हैं, 12/4 डिवाइड कर देते हैं, तो ये 4 × 4 = 12, 3 आ गया। तो प्राप्त संख्याओं का औसत 3 होगा। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, जो कंडीशन बोल रहा है अगर जोड़ा जा रहा है तो औसत में हम जो उतनी संख्या जोड़ देंगे, अगर घटाया जा रहा है तो औसत में उतनी संख्या घटा देंगे, अगर मल्टीप्लाई किया, अगर सभी संख्याओं में उतनी मल्टीप्लाई किया जा रहा है उस नंबर से तो उसी नंबर से हम औसत में मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर सभी संख्याओं में उस नंबर से भाग दिया जा रहा है तो जो पहली वाली तो जो औसत है औसत में उसी संख्या से भाग दे देंगे, तो इस तरीके से औसत निकल आएगा। तो बस इन्हीं फैक्ट को ध्यान में रखते हुए इन सवालों को आसानी से लगाया जा सकता है। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। धन्यवाद।